जो रिज़ल्ट आया है रिसेंटली, एक तो ये पहला बैच था एनईपी 2020 का पहला बैच था, और इसकी एक जनरल ट्रेंड भी रही है वेली में भी ये रिज़ल्ट बहुत कम है, यहीं पे कम नहीं है। और मेरे हिसाब से इसमें एक जो ख़ास कारण है, बच्चों की जो हाज़िरी इस दूरदराज इलाके में है तो बहुत कम हाज़िरी बच्चों की रहती है, बच्चे बहुत कम आते हैं। तो आज तक जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता था, हमारे बच्चे जब एडमिशन फॉर्म एडमिशन कर लेते थे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके रोल नंबर जनरेट होते थे, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली हमने टेक ओवर किया है, यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ ये टेक ओवर हो गया है, बात हो गई है कि हम आप जब हम अटेंडेंस उनको दे देंगे, अपलोड करेंगे इंटरनल, तो उसके बाद उनके जो रोल नंबर स्लिप होंगी वो डाउनलोड होगी। तो हम इस साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ज़्यादा हमारे हाथ में ये नहीं था। हम कोशिश कर रहे थे, टाइम टू टाइम हम नोटिस निकालते थे कि आपके एग्ज़ाम में 70% जो यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी अटेंडेंस रखी है वो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम रहती थी। मीट तो वैसे नहीं हुई, लेकिन हमने वक्त वक्त पे बच्चों के जो वालदेन हैं उनसे भी कंटेक्ट किया। हम बच्चों को अपनी तरफ से बस सर्विस देने के लिए भी तैयार हैं, जिसके लिए बच्चे ही तैयार नहीं हैं। तो बच्चों की हाज़िरी बहुत कम रहती है, पेरेंट मीट वैसे नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जो आपने ट्रांसपोर्ट बसों का सवाल पूछा, तो बेशक हमारे पास जब मैंने ज्वाइन इस कॉलेज में किया तो हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी। तो उस वक्त एक गाड़ी जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से मिली हुई थी वो तो गवर्नमेंट ने वापस डिपार्टमेंट को अपने सरेंडर डायरेक्टरेट को कर दी, और उनने अंडर प्रॉपर ऑर्डर और उनने आगे किसी कॉलेज को दे दिया। उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रोहित कंसल साहब, उनका ऑर्डर था एक गाड़ी जो हमें डिग्री कॉलेज चिराग शरीफ को पिछले साल फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ दी थी। तो उसके बाद हमने उनको चिट्ठी हम लिख रहे हैं कि आगे ये एक्सटेंड कर रहे हैं या हमें वापस सरेंडर कर रहे हैं। तो 2 गाड़ियां तो हमने अंडर प्रॉपर ऑर्डर यहाँ से वेली भेजी हैं, पार चली गई हैं। 2 गाड़ियां हमारे पास हैं, उनके बारे में हमने टाइम टू टाइम हम बच्चों को नोटिस निकाल रहे हैं। 26/6/2023 को ये नोटिस हमने निकाली थी। हमने बच्चों को कहा कि आप डिफरेंट जो रूट्स के बच्चे हैं आप इसके लिए फ़ीस सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आप कुछ फ़ीस हमारे पास भर दीजिए और बसें हर रूट पे चलेंगी। लेकिन बच्चों का रिस्पांस बहुत पोर रहा है, बच्चे वहाँ उसमें नहीं आ रहे हैं। डिजिटल बोर्ड का मसला है, वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो हमारे हाथ में है। जो भी क्लास में डिजिटल बोर्ड पे देनी है, जिस वक्त भी पावर अवेलेबल होगा वो हम दे सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी उसके लिए फ्यूल हैं वी आर ट्राइंग टू अरेंज, वो तो हो जाएगा। लेकिन हमें सोलर पैनल, इसके लिए सोलर पैनल होनी चाहिए थी। अगर सोलर पैनल हो जाए तो हमारा बैकअप हो जाए, क्योंकि हमें बैकअप की प्रॉब्लम रहती है।